हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल बाय नताशा और बहन नताशा। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उनके लिए जिनको इचिंग की प्रॉब्लम रहती है। आज के मतलब नॉर्मल टाइम में इचिंग की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होती है। मैंने खुद देखा है कि अगर मैं अपने जानने वालों में से भी आऊँ तो बहुत से लोग इस चीज से परेशान है। उसका रीजन सिर्फ ये ही नहीं होता कि वो अपने मतलब गंदगी रखते हैं, या इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे कि पहले तो यही है कि अगर शरीर पे गंदगी है तो फिर आपको इचिंग होगी। दूसरा ये है कि अगर आपके कपड़ों में मतलब साबुन, कपड़े अच्छी तरीके से नहीं धुले हुए हैं उसमें साबुन और आप कपड़ों को पहनो तो आपको इचिंग शुरू हो जाएगी। तीसरा ये है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, उससे फंगल इन्फेक्शन वगैरह, और भी बहुत से रीजन है। जैसे किसी को कुछ खाने से इचिंग हो जाती है, किसी का गंदा टॉवल यूज करने से, या किसी के गंदे बाथरूम को यूज करने से वो हो जाती है। हाँ, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो पब्लिक टॉयलेट बिल्कुल यूज ना करें, कोशिश करें अवॉइड करने की। और अगर आपको फिर भी कुछ इमरजेंसी में वो यूज करना पड़े तो फिर आप उसके लिए पहले से ही घर से इंतजाम करके ले जाएं, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। और कोशिश करें कि टॉयलेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो वेस्टर्न टॉयलेट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि उसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है आपकी स्किन का, आपकी त्वचा का, वो आपके लिए बहुत गंदा मतलब आपको इन्फेक्शन कर सकता है। तो इन चीजों से आपको इनको अवॉइड करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इचिंग होती है वो कैसे होती है, क्यों हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप किसी का गंदा टॉवल यूज कर रहे हैं उससे हो सकती है, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया उससे हो सकती है, आपको कोई दवाई साइड इफेक्ट कर गई उससे हो सकती है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपको कोई खाना सूट नहीं कर रहा है, आप गंदे कपड़े पहन रहे हो, आप गीले कपड़े पहन रहे हो, इन सब चीजों से आपको इचिंग हो सकती है। सबका अलग अलग कारण है, हर एक का शरीर अलग अलग होता है, तो इचिंग का कारण भी अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगी कि अगर आपके इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं इचिंग है, यानी कि आपके इंटरनल पार्ट में अगर इचिंग है तो उसका कारण अलग होगा, उसकी दवाइयां अलग होगी। अगर आपको एक्सटर्नल इचिंग है तो उसका कारण अलग होगा, दवाइयां अलग होगी। कभी भी आपकी जो एक्सटर्नल इचिंग की जो ट्यूब होती है उसका यूज अपने इंटरनल पार्ट्स पे मत करें, आपको बहुत गंदा साइड इफेक्ट आ सकता है उसका, आपको बहुत नुकसान देगी। उसका रीजन क्या होता है, आपकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल जो होता है, जो आपके शरीर में अम्लीय रसायन वगैरह जो इनसे मिक्स करके जो आपका पीएच लेवल बनता है वो आपका मतलब सब शरीर का अलग अलग होता है, शरीर के पार्ट्स का अलग होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आप उनको दवाई ट्यूब को इस तरह से यूज करेंगे तो आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है, वो घटेगा नहीं। और आपकी जो ट्यूब्स होते हैं उन पर लिखा भी होता है सिर्फ एक्सटर्नल यूज, तो ये हमेशा सोच समझ के करना अगर कर रहे हैं। फिर आते हैं हम इस चीज पे कि आपका जो पीएच लेवल के बाद में जो हमारे शरीर का टोटल पीएच लेवल होता है वो है 7.4। तो ये आपके मतलब आपका जो खाना होता है, जो खाने होते हैं एनर्जी वगैरह, उससे थोड़ा कंट्रोल में रहता है। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो आपको अपने खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये खाना ही आपके पीएच लेवल को कंट्रोल करता है और खराब कर सकता है। इसके बाद आते हैं कि अगर आपको इचिंग हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इसका कारण हो गया और मतलब इसकी प्रोटेक्शन आप शरीर के दोनों पार्ट्स का अलग होता है, ये मैंने बता दिया। बात है इसका कि कारण मतलब इसका जो निवारण है कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें, अगर हमें इचिंग है एक महीने से ज्यादा अगर आपको हो रही है तो आप सबसे पहले भाग के जाइए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, अगर आपको इचिंग अभी अभी शुरू हुई है तो उसका इंस्टेंट आप इलाज कीजिए। अपने पहले तो आप अपने खाना जो है आपको उसको चेंज करके देखिए कहीं आपको खाने से नहीं है। दवाइयां अगर है तो उसका रिव्यू जरूर पढ़िएगा एक बार कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने कपड़ों पे। कपड़े आपको साफ सुथरे पहनने हैं, किसी का टॉवल नहीं यूज करना है। जो टॉवल का तो हमेशा याद रखना है कि ना तो अपना टॉवल किसी को दे ना तो किसी का यूज करे, टॉवल का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टॉवल के बाद में आते हैं कि अगर आप टॉवल यूज कर रहे हैं तो अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल के लिए और एक्सटर्नल के लिए और फेस के लिए अलग अलग रखिए, एक टॉवल का यूज ना करें। अगर आपको एक टॉवल यूज करना है तो आप मतलब सोच समझ के उसका यूज करें। जैसे कि आप अगर अपने पैरों के लिए टॉवल यूज कर रहे हैं तो जो कपड़े आपने उतारे हैं आप उनसे अपने पैर पोंछ सकते हैं,
ठीक है, अगर आपको फेस के लिए करना है तो फेस के लिए आप अलग टॉवल यूज करें, क्योंकि फेस का क्या होता है कि शरीर की जो प्रॉब्लम होती है वो अगर फेस पे आते हैं तो पिंपल आ सकते हैं, और इंटरनल तो आपको पता है कि इंटरनल चीजें कभी आप कहीं यूज नहीं कर सकते मतलब, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर आप अपने कपड़ों को धो रहे हैं, अपने मतलब अंडर गार्मेंट्स को धो रहे हैं, उनको हमेशा डिटोल में डाल के धोएं, मतलब पानी में डिटोल डाल के धोएं, और हमेशा उनको आपको धूप में सुखाना है, उनको कभी भी छाया में मत सुखाएं, क्योंकि धूप क्या होती है आपके जो गंदे कीटाणु उनको मारती है, जो डिटोल के धुलने के बाद भी थोड़े बहुत बच जाएंगे वो आपका काम आपकी धूप कर देगी अच्छे से, ठीक है। और गीले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, गीले कपड़े कभी ना पहनने। अपने चेहरे अपने मतलब शरीर पे एक्सपेरिमेंट ना करें कि कोई घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, लगे पड़े हैं एक के बाद करने पे, अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती है आपकी स्किन, आपको वो बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं होता हर चीज आपको सूट आ जाए। फिर इसके बाद में अगर आपके इंटरनल पार्ट्स में इचिंग है, अगर नहीं भी है तो कभी भी आपको ना तो वहां पर डीओ का यूज करना है, ना ही आपको वहां पर साबुन का यूज करना है, और ना ही किसी का बॉडी वॉश वगैरह यूज करना है। अगर आपको कुछ चीजें यूज भी करनी है उसके लिए एक अलग से चीजें आती है मार्केट में, अवेलेबल रहती है, उनका यूज करें, लेकिन वो भी एक लिमिट में यूज करनी है आपको, ऐसे नहीं है कि आप उनका हर रोज यूज कर रहे हैं सफाई के लिए। फिर आते हैं हम इसके बाद में अपने आपके नाखूनों पे, अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है तो नाखूनों को काट लीजिए, कभी बढ़ाइए मत, क्योंकि आपको क्या होता है नाखून होते हैं, आपको इचिंग होगी, आप खुजाओगे, जरूर खुजाओगे तो वो आपके नाखूनों में गंदगी भर जाएगी, गंदगी भरने के बाद में वो जो कीटाणु इसके अंदर आ जाते हैं, आप कहीं दूसरी जगह पे हाथ लगाओगे आपके वो फैलता चला जाएगा उसी जगह पे, तो समझ सकते हैं कि एक से बड़े नाखून से आप कितनी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो अपने नाखूनों को काट दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप बड़े नाखून रख के ही ज्यादा खूबसूरत बने, आपके नाखून तो खूबसूरत बन जाएंगे लेकिन आपकी स्किन खराब होती चली जाएगी, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद में हम आएंगे कि इसका जो एक मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी, अगर आप करना चाहें तो मतलब वो काफी अच्छे हैं। अगर आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट में या एक्सटर्नल पार्ट में खुजली शुरू हुई है, लगभग 1-2 हफ्ते भी हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है गुनगुना पानी, किसी टप में भर लीजिए, अगर आपके घर में टप बाथ टप नहीं है तो टप में भर लीजिए, बड़ा सा टप लीजिए उसमें भर लीजिए, गुनगुना पानी लेना है, ज्यादा गर्म नहीं लेना है, उसके अंदर डालिए बेकिंग सोडा लगभग आधा कप, और उसके अंदर आप बैठ जाइए 10-15 मिनट, आप उसके अंदर बैठ जाइए, आपको ये करना है जब तक आपकी इचिंग पूरी खत्म ना हो जाए। ये जरूर रखना है याद कि अगर आप कोई इचिंग का उपाय शुरू कर रहे हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं हो रहा है, और आपको इतना सा भी अगर कोई उसका फायदा है 3-4 दिन यूज करने के बाद में, तो उसको यूज करते रहिए जब तक कि वो आपका पूरा खत्म ना हो जाए। ऐसा ना करना कि वो आप करना छोड़ दें 2-3 दिनों के बाद में, आप उसे छोड़ दें, आपको वो यूज करना है। फिर आएंगे हम, दूसरा आपको लेना है गोले का तेल, गोले के तेल में मिलाना है थोड़ा सा कपूर, जो पूजा वाला कपूर होता है वो, और उसको अपने जाजा खुजलिए वहां पे लगाना है। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी, उस जगह पे आपको वो लगाना है। ये दो नुस्खे मैं बताऊंगी, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, अगर आपको इनसे आराम नहीं लग रहा है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, और अपनी दवाइयों का उपचार तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जो मैंने चीजें बताई हैं वो आपको नुकसान नहीं देगी बिल्कुल भी। बस इस वीडियो में इतना ही है, अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है इन सॉल्यूशंस के बाद में तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए। कुछ भी करने से पहले एक्सपेरिमेंट अपने शरीर पर डॉक्टर से एडवाइस जरूर लीजिए, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाने चाह रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्टर के आजकल ऐप शुरू होते चले हुए हैं, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को डाल के सॉल्यूशन उनसे ले सकते हैं। तो बस इतना ही, नमस्ते, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन है, और आपकी एक थोड़ी सी मतलब आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत नुकसान दे सकती है, और थोड़ी सी अलर्टनेस आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। तो बस इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, नमस्ते।